लोकसभा में वोटरों को प्रभावित करने के लिए नकदी के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए आयकर विभाग सक्रिय हो चुका है और विभाग ने सूचनाएं जुटाने के लिए जयपुर में कंट्रोल रूम की शुरुआत की है। सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाएगा, तो वहीं अधिकारियों के व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। इसके साथ ही आम जनता को भी इसमें सहभागी बनने की अपील की जा रही है। इन तैयारियों को लेकर राज्य के महानिदेशक आयकर अन्वेषण सतीश कुमार गुप्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विमल कोठारी ने। लोकसभा चुनावों में नकदी को लेकर आयकर विभाग ने फिर सक्रियता दिखाई है। आयकर विभाग ने न केवल स्टेट लेवल के ऊपर एक कंट्रोल रूम बनाया, बल्कि इसके अलावा करदाताओं को विभाग के साथ जोड़ने के लिए भी इस बार आयकर विभाग ने काफ़ी कुछ प्रयास किया। हमारे साथ राज्य के डीजी मिस्टर सतीश गुप्ता है, हम उनसे जानते हैं इस बार चुनाव को लेकर विभाग की क्या तैयारी। ये इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है उसके हिसाब से हमने एक 24/7 कंट्रोल रूम सेटअप किया है हमारे आयकर भवन में। कोई भी व्यक्ति जिसको भी कोई सूचना देनी हो रिगार्डिंग कैश मूवमेंट हो रहा हो, ज्वेलरी या बुलियन या इस तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो वो इस कंट्रोल रूम पे किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं, हमारे व्यक्ति वहाँ पे हैं। हमने एक डेडिकेटेड ईमेल भी रखा है और एक फैक्स नंबर भी डेडिकेटेड रखा। सर, आयकर विभाग सामान का सूचना देता है, उसको जो अवार्ड देता है, क्या इस तरह की सूचना देने वालों को भी अवार्ड देता है? देखिए, नहीं, अगर इस पे बेस पे कोई सर्च सीजर होती है तो सर्च सीजर होने के कारण, लेकिन उसके अंदर एक रूल होता है कि उन व्यक्तियों को पहले हमारे यहाँ रजिस्टर होना होता है। अगर वो रजिस्टर नहीं होते हैं तो फिर कोई अवार्ड नहीं मिलता है, बिना रजिस्ट्रेशन के अवार्ड नहीं मिलता। सर, विभाग इस बार जैसे सोशल मीडिया का सारा ले रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो सूचनाएं आती है तो रिलायबल नहीं माना जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं लोग आयकर विभाग की भी दौड़ सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, चाहे सोशल मीडिया से आए, चाहे फ़ोन से आए, चाहे कैसे भी आए, पहले हम उसको एक वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद ही कार्रवाई होती है, तो गलत कभी भी किसी गलत सूचना पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जनरली लेन देन में एक नकदी का प्रभाव रहता है, एक आम आदमी अपने साथ में कितना पैसा लेके जाए उसको डिपार्टमेंट अच्छी नहीं। देखिए, वैसे तो आप कितना भी पैसा लेके जा सकते हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने वो पैसा बैंक से निकाला है या जहाँ से भी निकाला है। तो पैसा ले जाना, कैश ले जाना कोई क्राइम नहीं है, गलत नहीं है। तो हम उसको, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप 10 लाख लेके चलिए, 1 करोड़ लेके चलिए, जितना मर्जी लेके चलिए, बट नॉर्मली स्पीकिंग हम छोटे लोगों को 50,000 है या 2 लाख है, 1 लाख है, उसको तंग नहीं करते हैं। और 10 लाख से ऊपर हुआ तो पुलिस हमें बताती है, हम पकड़ते हैं, 10 लाख से नीचे पुलिस खुद की कार्रवाई करती है। हमारे साथ डीजी इनकम टैक्स राजस्थान थे, जो ये बता रहे थे कि यदि कोई केस लेके जाता है तो अपने साथ फुल प्रूफ लेके जाए, और अगर बिना प्रूफ के केस लेके जाएगा तो निश्चित रूप से वो समस्याओं का सामना करना है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में आयकर विभाग के हाथ कितनी सफलता रहती है। कैमरा पर्सन राम निवास के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। लोकसभा चुनावों में